यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान लिवर, क्या अभी आपको बाय करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान लिवर फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और कंपनी जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे। देखिए, हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों में बिलीव करते हैं, चार्ट देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हायर प्राइस पर बाय करते हैं तो आपका रिटर्न काफी कम होगा। अगर बात करें स्टॉक का, तो फंडामेंटली स्टॉक अपने सेक्टर का, FMCG सेक्टर का लीडर स्टॉक है और कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इंडिया के 90% जो घर है उसमें आपको एक या एक से अधिक प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट का, कंपनी का जो ब्रांड है स्किन क्लियरिंग में, डव है, लाइफ बॉय है, लक्स है, पियर्स है, तो ये सब फेमस ब्रांड है चारों के चारों और ये ज्यादातर घरों में यूज होते हैं। ओरल केयर, पेप्सोडेंट हो गया, क्लोजअप हो गया, ये भी फेमस है। फेयर एंड लवली हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वैसलीन हो गया, लैक्मी हो गया, ये भी फेमस ब्रांड है। वही होम केयर सेगमेंट में बात करें, बीम साबुन हो गया, सर्फ एक्सल हो गया, सनलाइट हो गया, तो ये सारे के सारे जो फेमस ब्रांड है ये भी काफ़ी सारे घरों में यूज होते हैं। मतलब एक से अधिक प्रोडक्ट जो है इसके यूज होते हैं। अब फूड में जैसे हो गया किसान सॉस हो गया, काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। उसी तरह से आपको ताज़ा जो टी है, ताजमहल हो गया, टी ब्रांड जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। तो कई सारे इसके प्रोडक्ट है जो कि घर में यूज होते हैं, तो इसलिए ये कंपनी एकदम वेल नोन है। ये कंपनी काफ़ी वेल नोन है हम सभी इंडियंस के लिए। अगर बात करें मार्केट कैप ही 6,18,000 करोड़ का है, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है और डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, 1.18% का डिविडेंड यील्ड है। करेंट प्राइस 2,633 रुपीज़ है, जो कि हम चार्ट पर देखेंगे। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी बेहतरीन है, 61.9%, कोई शेयर भी प्लेज नहीं है। मतलब फंडामेंटली एकदम सॉलिड स्टॉक है। रिजर्व भी 47,000 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार जंप हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, नेट प्रॉफिट 2010 में मात्र 2,000 का था, अभी 8,000 हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ में। बैलेंस शीट भी काफी जबरदस्त है, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और शेयर कैपिटल 235 करोड़ का है। कंपनी का कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगातार कंपनी ने जनरेट, साथ ही साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है वो बढ़ा भी है। और बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का, प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ पिछले 2 साल में, तो ये थोड़ा सा जो एक प्रमोटर्स है वो उन्होंने अपना स्टेक सेल किया। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली काफी सॉलिड है। इस वीडियो का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो बताना है क्या ये स्टॉक अभी आपको बाय करना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह स्टॉक काफी जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। देखिए, ये स्टॉक अभी आपको बाय करना है तो काफी कम क्वांटिटी में बाय करना चाहिए। देखिए, ये स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक है तो ये उतना आपको, मतलब जैसे 100% है, एक ईयर्स में भागता हुआ नहीं देखने मिलेगा। साथ ही साथ इसमें गिरावट भी आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे स्मॉल कैप हो गया 80% तक, 60% तक गिरावट होता है, वैसा नहीं देखने मिलेगा। इसमें गिरावट होगा तो आपको 10 से 20%, अगर इसमें तेजी भी आएगा 10 से 20%, और कभी ज़्यादा तेजी आया तो 40% तक आएगा। तो इसलिए ये स्टॉक कभी भी आपको हायर प्राइस पे नहीं बाय करना चाहिए। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट पर बाय करते हैं, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो जाता है, मतलब स्टॉक में फिर से गिरावट देखने मिलता है, अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो फिर आपने इस स्टॉक को काफ़ी महंगे प्राइस पर बाय कर लिया, क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 2300 रुपये के आसपास है। तो इसको आप 2300-2400 रुपये के आसपास आए तो कभी भी आंख बंद करके बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में कुछ खास ज़्यादा गिरावट लॉन्ग टर्म में आने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक को ऊपर ही जाना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये स्टॉक यहाँ पर नीचे आए अगर ब्रेकआउट ये फेल हो जाता है। लेकिन अभी कुछ क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं, जैसे 100 क्वांटिटी बाय करना है तो 10 क्वांटिटी अभी आप ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसे यहाँ से स्टॉक ऊपर ही चला जाए। क्योंकि ब्रेकआउट अगर फेल नहीं होता है तो इस स्टॉक का जो अगला टारगेट होगा 3000 होगा। 3000 इसका एक रेसिस्टेंस है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ तक स्टॉक आसानी से जा सकता है। ऐसे स्टॉक वॉल्यूम सपोर्टेड है, तो यहाँ पर देखिए जब ये स्टॉक यहाँ से मूव करना, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ रहा था, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पर साइडवेज हो और फिर यहाँ पर मोमेंटम ऊपर की ओर दिखाए, या तो नीचे आ जाए अगर ये पहले जो रेसिस्टेंस हुआ करता था अब वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पर सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है। तो अगर आप को 2300-2400 रुपये के आसपास मिलता है तो निश्चित रूप से इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और यहाँ पर बस थोड़ी सी क्वांटिटी लेना है। अगर ऊपर भी गया तो ऊपर के
प्राइस पे आप लेंगे, नीचे आता है तो नीचे के प्राइस पर लेंगे, नीचे मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ कम प्राइस पर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी भी आपके पास आ जाएगा। इस वीडियो का हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी ब्लू चिप स्टॉक को जब भी गिरावट मिले तो गिरावट पे आप बाय कीजिए, उसके सपोर्ट के आसपास बाय कीजिए, हमेशा आपको अच्छा खासा उसमें रिटर्न मिलेगा। कभी भी उस स्टॉक को हम हायर प्राइस पे बाय नहीं करेंगे, तो हमेशा जो है ब्लू चिप स्टॉक्स को हम उसके सपोर्ट के आसपास बाय करेंगे, जहां से हमें अच्छी क्वांटिटी में बाय होगा, अच्छे प्राइस पे बाय होगा और वहां से हमें अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त होगा। तो इस स्टॉक में फिर से गिरावट का वेट कीजिए, जैसे स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास आता है तो मैं फिर से आपको वीडियो बना करके बताऊंगा कि अभी ये स्टॉक बाय करना चाहिए। तो अभी इस स्टॉक में आपको काफ़ी कम क्वांटिटी बाय करना चाहिए और वेट करना चाहिए। स्टॉक में अगर कोई गिरावट आता है या हो सकता है यहाँ से स्टॉक ऊपर ही चला जाए, तो अगर ऊपर चला जाता है तो फिर इसमें 3000 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।